जल भराव से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त, आधा किलोमीटर सड़क बह गई पानी के साथ, जान बचाने के लिए नागरिक छतों पर चढ़े। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में गुरुवार रात भारी बारिश से कई सड़कों को भारी नुकसान हुआ। सौड़ा से सिरवाड़ा गांव की सड़क का हिस्सा बह गया, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। रायपुर थाना मार्ग में बाधित हो रहा है। रायपुर क्षेत्र में गुरुवार रात भारी बारिश से कई सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। सौड़ा से सिरवाड़ा गांव जाने वाली सड़क का आधा किलोमीटर का हिस्सा पानी के साथ ही बह गया। यहाँ गाँव तक पैदल पहुँचना भी मुश्किल हो गया है, जिस कारण ग्रामीणों को परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। रायपुर थानो सड़क सौड़ा के पास मलबा आने से अवरुद्ध हो गया है। साथ ही मलबा लोगों के खेतों और घरों से बाहर तक आ गया और स्थानीय लोगों की माने तो सिरवाड़ा जाने वाली सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा बह गया है। यहाँ पानी डाइवर्ट हो गया, जिसके बाद पानी अपने मुख्य रास्ते को छोड़कर गाँव के अंदर आ गया, जिससे देर रात तक लोग अपने घरों की छतों पर खड़े रहे ताकि वो सुरक्षित रह सके। साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात की वजह से आए सैलाब में उनकी खेती भी खराब हो गई और कहीं ऐसे लोग हैं जिनके घरों तक में मलबा आ गया। हालांकि प्रशासन की टीम जरूर यहां पहुंची, लेकिन आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से उन्हें आगे भी खतरा होगा। कल रात को यहां दो जगह बादल फटने के कारण जो है बहुत बड़ी आपदा आई है और पूरा गाँव प्रभावित हो रखा है और बाकी यहाँ सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है और लोगों को रात सोना भी नहीं हो पा रहा। ये जो आपदा आप देख रहे हैं तो ये आपदा जो है कल शाम को जो है 10 बजे लगभग आई है, क्योंकि उस टाइम बिजली बहुत ज़्यादा कड़क जो थी कड़क रही थी और बिजली कड़कने के साथ साथ जो है मतलब बाजी बहुत तेज हो रही थी और यहाँ पर हमारे दो जगह जो है बादल फटे, एक ऊपर उधर है और एक इधर सामने आप, और उस आपदा में जो है हमारे जो है काफ़ी मतलब ये कि फूल वगैरह ये बह चुके हैं और रोड तो खैर बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल रोड जो है पूरी बह चुकी है और हमारे जो है जो किसान लोग हैं जिनके मतलब कि ये खेती है किसान की, ये भी मतलब काफ़ी जो है मतलब जो हमारे किसानों को जो है मतलब क्षति पहुँची है और हालांकि क्या नाम ये जो हमारी जो सुरक्षा बाढ़ सुरक्षा वाली टीम भी सुबह आ चुकी है और क्या नाम डीएम महोदय भी आई है यहाँ पर देखा है। तो अब फिलहाल आपके सामने देख रहे हैं कि आप जो है मतलब बाढ़ सुरक्षा का कार्य चल रहा है। भीषण आपदा जो आई है इससे हमारे कृषक लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, जो जैसे रोड बह गई है, पेयजल खराब है और काफ़ी लोग घर से पूरी रात छतों पर काटी है। मतलब कल शाम का जो मंजर था बड़ा भय रहा, मतलब लोग बहुत डरे हुए। वहीं मौके पर पहुंची पेयजल विभाग की अभिशासी अभियंता कंचन रावत ने बताया कि पेयजल को लेकर गांव में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसके लिए एक सुरक्षित स्थान पर पेयजल का टैंकर भिजवा दिया जाएगा और अभी देखा जा रहा है कि पेयजल की कितनी लाइन है जो टूटी हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द ठीक कर लोगों के घरों तक पानी पहुँचाने की तैयारी विभाग द्वारा की जा रही है। अब आइए आपको सुनवाते हैं पेयजल विभाग की अभिशासी अभियंता कंचन रावत जी के उस पूरे मामले पर। जैसे कि आप देख रहे हैं नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, रोड पूरी डैमेज हो गई है और मैं पेयजल विभाग से बहुत पेयजल की बात करूँ तो उसमें हमारी लाइन पूरी रास्ते पर से आप भी देखते आ रहे हैं पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है। अभी हम टैंक में भी देखते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं छोड़ रहा है तो संभवतः हमारे जो स्रोत है उसमें भी डैमेज हुआ है। तो अभी तक जो हमने अनुमान लगाया है 2.5 किलोमीटर हमारी जो लाइन है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। उसके अलावा अभी और विजिट कर रहे हैं, जितना भी अभी देखेंगे उसके बाद एक्चुअल पता चल पाएगा की कमी। फिलहाल तो ये है क्योंकि रोड टूट गई है तो टैंकर तो पूरा एक प्रॉपर यहाँ तक नहीं पहुँचा पाए, वहाँ तक भी हम टैंकर आ जाएंगे तो वहाँ तक टैंकर से बोल दिया गया टैंकर वहाँ तक उपलब्ध करवा देंगे और इसको हम टेम्प्रेरी व्यवस्था के तहत कोशिश करेंगे कि कल मिक्स में पूरा कर दें। आज की विजिट हो रहा है तो उस तरीके से अपनी कार्य योजना बनाएंगे, इस तरीके से काम करेंगे और कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हम। उत्तराखंड में मॉनसून सीज़न अभी भी जारी है और मॉनसून सीज़न के बाद अब राजधानी देहरादून के आसपास के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भी नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और
अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ पर कल देर शाम बादल फटा है और जो स्थानीय लोग हैं उसको इस बादल फटने के बाद बड़े नुकसान का सामना उन लोगों को करना पड़ा है। ये रायपुर विधानसभा क्षेत्र का क्षेत्र है और आप मेरे पीछे जो नदी देख रहे हैं ये इसी रूप में लगातार रोज़ाना बहती थी, लेकिन कल देर शाम यानी कि रात के समय इस नदी ने अपना रास्ता जो है वो पूरी तरीके से बदल लिया। हालांकि इस तरफ ये नदी बहती थी जिस तरफ ये जेसीबी काम कर रही हैं, लेकिन नदी का जल स्तर इतना ज़्यादा था कि उसने अपना रास्ता बदल लिया और जो मेरे दाहिनी तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं नदी को, उसने रास्ता बदल के ये नया रास्ता अपना बनाया, जिसकी वजह से पूरे गांव में आपदा आ गई। आप देख सकते हैं तमाम लोग गांव के स्थानीय लोग हैं, ये कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं कि नदी का जो स्तर है जो बहाव है वो फिर से अपने पुराने रूप में प्रशासन की तरफ से किया जाए और जेसीबी भी लगातार उसको लेकर काम करती हुई यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन इस बहाव के चलते यानी कि देर शाम जिस तरीके से नदी ने अपना जो रास्ता है वो बदला है, उसके बाद पूरे गांव में आपदा जैसी स्थिति आ गई। आप देख सकते हैं जिस जगह पर इस समय नदी बह रही है ये कोई नदी बहने का रास्ता नहीं है, बल्कि ये गांव की जो मुख्य सड़क है जो कि राजधानी देहरादून की मेन रोड से सबको जोड़ती है ये वाली सड़क है और तमाम जो गाँव के लोग हैं, जो स्थानीय महिलाएँ हैं या जो मवेशी हैं उनके अभी तक थे उनको लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा रहे हैं और जिला प्रशासन और तमाम प्रशासकों की टीम सुबह इस स्थान पर पहुंची थी, लेकिन अभी भी लगातार ये कहा जा सकता है कि लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक इस गांव की जो स्थिति है वो सुधर पाती है। हालांकि इस गांव में ना तो अभी बिजली है ना ही पानी के जो पीने का पानी है वो सुचारू रूप से लोगों को मिल पा रहा है। हालाँकि प्रशासन ने इन्हें आश्वासन ज़रूर दिया है कि जल्द से जल्द सभी चीज़ें ठीक कर ली जाएंगी, लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार की तरफ से कब तक इस गांव को फिर से अच्छा बनाया जाता है और कब तक इन लोगों की जो समस्याएं उनको दूर किया जाता है। राजधानी देहरादून से सुभाष कौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।